ले जी, आज हम स्टार्ट करते हैं कुछ नई कमांड्स। यहाँ इधर आ जाओ, मैं फाइल ओपन, क्लास वर्क ओपन कर लिया मैंने। प्रोडक्ट का ये बन चुका हुआ है। अब मैं ना यहाँ पर लिखता हूँ स्टूडेंट रोल, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट रोल नंबर और स्टूडेंट नेम। सेल को मैंने थोड़ा सा इंक्रीज कर लिया। यहाँ पे रोल नंबर लिखा मैंने 1, यहाँ पे लिखा 2। इन दोनों को सिलेक्ट किया, यहाँ पर मैंने फिर हैंडलर की मदद से यहाँ पे सीरीज बना ली। यहाँ छोटे नाम लिख दिया मैंने अली, रजा, अहमद, हामिद, हमीद, ठीक है, सुल्तान, आमिर, ठीक है, उस्मान, असद, आसिफ। अब मैं आपको आज बताने लगा हूँ कि इन रेंज का नाम हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, आप भी सिलेक्शन लेते हैं, उसका नाम किस तरह आपने डिफाइन करना है और किस तरह उसको फार्मूला या फंक्शन के अंदर यूज़ करना है। ये मेरे पास, मैं कहता हूँ ये मेरे पास एरिया है सारा, मैंने सेलेक्ट कर लिया, ये एरिया मैं रेंज के अंदर यूज़ कर रहा हूँ। और इसको मैं नाम डिफाइन अपनी मर्ज़ी का नाम देना चाहता हूँ, मैं नहीं ये यूज़ करना चाहता A4, A45, W45, TW45, ये यूज़ मैं अपना नाम डिफाइन कर रहा हूँ। ठीक है, नेम मैनेजर, ठीक है, या डिफाइन नेम कहते हैं उसको, बॉक्स नेम कहते हैं, किस तरह डिफाइन होता है। ये आपने रेंज डिफाइन की, ये रेंज आपने सिलेक्शन ले लिया, आपने एरिया जितना एरिया लेना है। यहाँ पर ये नेम बॉक्स में चले जाना है आपने, और इसका नाम रख दिया मैंने STD रोल नंबर और एंटर किया, तो ये इसका नाम डिफाइन हो गया। अब मैं इस पूरे एरिया को किस नाम से, STD रोल नंबर, वो देखो ऊपर नज़र आ रहा है आपको STD रोल नंबर, इस पर क्लिक करता हूँ तो ये पूरा एरिया सेलेक्ट होगा। अब फार्मूले में ये नाम इसका यूज़ करूँगा, ठीक है। अब यहाँ पर मैं एक शीट बनाता हूँ, शीट 2 बनी। यहाँ पर मैं, मुझे चाहिए स्टूडेंट का रोल नंबर, क्या चाहिए स्टूडेंट रोल नंबर, कहाँ से आएगा, शीट 1 से। यहाँ पर मुझे स्टूडेंट का रोल नंबर चाहिए लिस्ट की शक्ल में, ठीक है। उसके लिए हम डेटा वैलिडेशन में, डेटा वैलिडेशन रूल्स के अंदर हमें मिलेगा लिस्ट कमांड और डायनामिक लिस्ट यूज़ करेंगे, ठीक है। जैसा कि हमने लास्ट स्टैटिक लिस्ट यूज़ की थी, कंपनी का और ब्रांड डिफाइन किए थे, न्यू ब्रांडेड और ओल्ड या यूज। अब डायनेमिक लिस्ट के बारे में बताएंगे, यानी कि दूसरी शीट से डाटा कैसे लेके आना, यानी एक शीट का डाटा दूसरी शीट में कैसे लेके जाना आपने। तो आप क्या करेंगे, ये री डाटा मेन्यू है और डाटा टैब है, डाटा टैब में आपको डाटा टूल्स, ये डाटा वैलिडेशन, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर अलो क्राइटेरिया में हमने क्या कर दिया, लिस्ट, और क्या नाम रखा था उसका मैंने, इज इक्वल टू STD रोल नंबर रखा था, और मैंने इज इक्वल टू फार्मूला लिखा और ओके कर दिया। यहाँ पर लिस्ट आ गई है, और यहाँ पर क्लिक करूँगा तो देखें मुझे वो सारे रोल नंबर यहाँ पर मौजूद हैं, सारे रोल नंबर यहाँ पर मौजूद हैं, ठीक है। लाइट ने आज ऐसे तंग करना है, हवा चल रही है, लाइट ऐसे तंग करेगी। आगे जी, ठीक है,
इसी तरह अगर मैं कोई और लाना चाहता हूँ वहाँ से, जैसा कि यहाँ पर मैं डिफाइन कर लेता हूँ, यहाँ पर मैं आता हूँ, मेरे पास आ गया प्रोडक्ट नेम, हाँ डिफाइन किए मिला सकते हैं उसका नाम सेट करना। हाँ उसके लिए फिर शीट का नाम, सेल का नंबर, वो सारा देना पड़ेगा। ठीक है, किस शीट से डाटा आ रहा है, शीट का भी नाम आएगा साथ। सही हो गया, शीट वन। ठीक है, फिर साइन अप एक्सक्लेमेशन सिंपल, फिर उसके बाद वो सेल का नाम उसका। ठीक है, किस तरह आना पड़ेगा, यहाँ प्रोडक्ट नेम डिफाइन कर लिया मैंने, कीबोर्ड यहाँ पे माउस, ठीक है, एलईडी, एलसीडी, एलसीडी, ठीक है, रैम, रोम, सीडी रोम, यूएसबी। अब मैं चाहता हूँ ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये नाम जो है मुझे दूसरी शीट पर लिस्ट में चाहिए। ठीक है, ये जो प्रोडक्ट वाले कॉलम है ना, इसमें जो भी नाम लिख रहा हूँ ये मुझे कहाँ पर चाहिए, लिस्ट में दूसरी शीट पे। क्या करूँगा, हेडिंग छोड़कर नीचे उसके जो नेम है वो मैंने सेलेक्ट कर ली, यहाँ पर मैंने उसको क्या किया, सिलेक्शन ले ली इनकी। सिलेक्शन लेने के बाद मैंने क्या किया, इनका नाम डिफाइन कर, इसका नाम रख दिया मैं पी आर प्रोडक्ट या PROD नेम, ठीक है, एंटर कर दिया। सही हो गया, बाहर ही बैठ जाओ, गर्मी नहीं लग रही, अभी बैठ जाओ, लाइट आती है तो फिर स्टार्ट करते हैं। अब देखो यहाँ पर इशू टू में वापस आता हूँ, यहाँ पर मुझे चाहिए प्रोडक्ट नेम, यहाँ पर मैंने क्या किया, लिखा प्रोडक्ट नेम, ठीक है, तो डाटा पे क्लिक किया मैंने, डाटा वैलिडेशन, और यहाँ पर क्लिक करके मैंने लिस्ट, और क्या नाम रखा था, इज इक्वल टू PRO नेम, ऐसा ही है, कहता नहीं है, क्या नाम रखा था मैंने, यहाँ से चेक कर लेते हैं, PROD नेम, क्या नाम रखा था, PROD नेम, यहाँ लिस्ट पर क्लिक किया मैंने, इज इक्वल टू PROD नेम, एंटर कर दिया, तो यहाँ पर देखिए प्रोडक्ट्स। ठीक है, अब जो इनकी रेंज डिफाइन की हुई है मैंने, अगर मैं कोई और नाम एंटर करता हूँ, जैसे मैंने कहा ये रोल नंबर 11 है, यहाँ पे आ गया मैं ASHRAR अशरफ। ठीक है, इधर मैंने नाम लिख दिया जी मदर बोर्ड। ठीक हो गया, अब जा चेक करता हूँ कि रोल नंबर 11 आ चुका है, इसमें ऑटोमेटिकली आ गया, इधर मदर बोर्ड प्रोडक्ट आ चुकी है ऑटोमेटिकली। ठीक है, डायनामिक लिस्ट, आज का लेक्चर है डायनामिक लिस्ट पे। ठीक है, प्लस हमने इसमें देखा कि नाम किस तरह से रेंज का डिफाइन किया जाता है,